एल इनवर्स फाइंड आउट करना है अपने को। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, पी अपॉन पी प्लस वन की पावर 5/2। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन हो रहा है वही उसके न्यूमरेटर में करें, यानी वन ऐड करा दें और लेस करा दें। क्लियर? इसको आप सेपरेट कर लें, पी प्लस वन की पावर 5/2 माइनस वन पी प्लस वन की पावर 5/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और लिनियरिटी लगा दें तो पी प्लस वन की होल पावर 3/2 माइनस एल इनवर्स वन अपॉन पी प्लस वन की पावर 5/2। क्या होगी कंडीशन? इससे आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पी प्लस वन वन आ रहा है प्लस का तो e की पावर माइनस एक्स, ए कितना है प्लस वन तो e की पावर माइनस ए एक्स, एल इनवर्स ये वन हट गया p की पावर 3/2। और सेम ऐसे इस पे भी लगाते हैं, e की पावर माइनस एक्स वन अपॉन p की पावर 5/2। ये आया बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये बाय लीनियरिटी। फिर e की पावर माइनस एक्स एल इनवर्स p की पावर, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस वन, p की पावर 3/2 प्लस वन। इससे क्या कंडीशन आ जाएगी? e की पावर माइनस एक्स और ये अपना है एल इनवर्स वन अपॉन p की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन या एक्स की पावर एन गामा एन प्लस वन। क्लियर? जब फ्रैक्शन की फॉर्म हो तब अपन किसका यूज करेंगे? गामा का। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 एन हाफ है और गामा 1/2 प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस हाफ और ये एक्स की पावर 3/2 और गामा 3/2 प्लस वन। गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला होता है एन गामा एन और गामा हाफ होता है अंडर रूट ऑफ पाई। तो इसको ओपन करेंगे, ये ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर हाफ गामा हाफ प्लस वन, यानी हाफ गामा हाफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर 3/2 और यह आ जाएगा 3/2। फिर गामा 3/2 यानी गामा हाफ प्लस वन तो 1/2 मल्टीप्लाई फिर गामा हाफ। गामा हाफ को अपन लिख सकते हैं अंडर टॉप पाई एक्स की पावर 3/2 3/4 या अंडर टॉप पाई। क्लियर? ये आ गया अपना सॉल्यूशन। हाँ, इसका एल इनवर्स फाइंड करना है। क्या करें? पहले इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें, पी स्क्वायर माइनस 2p। पी का कॉफिशियंट क्या है? माइनस 2। उसका अपन क्या करें? हाफ यानी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर ऐड कराएं और लेस करा दें, ये माइनस 3। तो कितना हो गया एल इनवर्स 3p प्लस 7, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और ये माइनस 4। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। एल इनवर्स नीचे आ गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। 3 ध्यान से देखना, यहां p माइनस 1 है तो ऊपर भी p माइनस 1 बनाएंगे। तो ये p माइनस वन लिखा मैंने, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वही न्यूमरेटर में। p माइनस वन कितना हो गया? 3p माइनस 3। यहाँ 7 है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 10। यहाँ यू लिखो माइनस 3 प्लस 3 प्लस 7 यानी 10 हो गया। कैसे भी कंडीशन ले लें। अब ये p माइनस वन में हो गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें, e की पावर
एक्स पी माइनस वन शिफ्ट हो गया, और एल इनवर्स 3p-1 शिफ्ट होके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इरेज बार ax हो गया, a1 हो गया अपना, और 3 ओनली p बच जाएगा, 3p प्लस 10 p स्क्वायर माइनस 4 किससे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। e की पावर x आप क्या कर रहे हैं, लीनियरिटी से अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा 3 L इनवर्स P अपॉन P स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 L इनवर्स 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 4, ये किससे हुआ, बाय लीनियरिटी। फिर e की पावर x 3 ये किसका हो गया, p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी cos हाइपरबोलिक ax, a कितना है 2x, क्लियर। फिर 10 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन a कितना हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, ये हो गया सॉल्यूशन। ये अपना l इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसका है, cos hyperbolic ax, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसका है, 1 अपॉन a sin hyperbolic ax, क्लियर। ये हो गया सॉल्यूशन, है प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एल इनवर्स, इस तरह का एग्जांपल अपन ने नहीं पढ़ा था, बट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इरेज टू पावर माइनस ap और ये 5p अपना अपॉन p माइनस 2 की पावर 4, अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एल इनवर्स fp fx है तो अगर इस fp के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, fp के साथ e की पावर माइनस ap, तो अगर fp के साथ e की पावर माइनस ap मल्टीप्लाई हो रहा तो fp का अलग से एल इनवर्स निकाल, तो वो एल इनवर्स क्या होगा, gx, gx कैसा फंक्शन होगा, एक्स ए से बड़ा है ए, तो जो ये फंक्शन आया उसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स माइनस ए, और एक्स ए से छोटा तो जीरो, तो अपन ने एफ पी क्या ले लिया, इसको हटा दो, ई की पावर माइनस ए पी के अलावा जो होगा वो एफ पी क्या ले लें अपन, 1 अपॉन पी माइनस 2 की पावर 4, है ना, इसको हटा दें 1 अपॉन में, एल इनवर्स एफ पी यानी एल इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 2 की पावर 4 कितना होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पी माइनस 2 हटा है, कैसे हटेगा, माइनस है तो प्लस, शिफ्ट कैसे हो जाएगा, ये हट जाएगा 1 अपॉन पी की पावर 4 बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फिर इससे क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, एल इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 4 क्या हो जाएगा, एल इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1, e की पावर 2x क्या होगा इसका, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, तो अब एल इनवर्स e की पावर माइनस 5p 1 अपॉन पी माइनस 2 की पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन ए कितना है अपना, पी का कोफिशिएंट कितना है ये अपना 5, तो एक्स 5 से बड़ा, एक्स 5 से छोटा, 5 से छोटा है तो 0, 5 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस 5, तो इस फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या रख दे, एक्स माइनस 5, इरेज टू पावर 2, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 का क्यूब फैक्टोरियल 3, और एक्स 5 से छोटा तो 0, ये सॉल्यूशन है। वापस देखो क्या प्रॉपर्टी लगी, एल इनवर्स एफ पी एफ एक्स है, तो एफ पी के साथ अगर ई की पावर माइनस ए पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, जी एक्स,
और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, एक्स ए से ग्रेटर है तो इस एफ एक्स में एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस ए से, एक्स ए से छोटा है तो जीरो। तो यहां मैंने इसको हटा के एफ पी ले लिया, तो एल इनवर्स एफ पी क्या हो जाएगा, ये एल इनवर्स 1/p-2 की पावर 4, शिफ्टिंग से हटाओ माइनस टू को माइनस है तो प्लस आ जाएगा, e की पावर 2x एल इनवर्स, और ये p माइनस टू से ओनली p बच गया तो p की पावर 4। फिर 1/p की पावर 4 का 3+1 कर दिया, यानी n हो गया 3, तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये एफ एक्स हो गया। अब इस प्रॉपर्टी से a अपना 5 हो गया, तो x 5 से ग्रेटर है तो f ऑफ x माइनस 5, x 5 से छोटा है तो 0। एफ एक्स ये इसमें जहां जहां एक्स आ रहा है उसको रिप्लेस करा देंगे एक्स माइनस फाइव, ये अपना हो गया सॉल्यूशन। एल इनवर्स 1/p+1 p² + 1, इसके लिए अपन पार्शियल फ्रैक्शन करें, ध्यान से देखना, ये सिंपल फैक्टर, जब फैक्टर्स होते हैं तो ये डायरेक्ट एल इनवर्स नहीं निकलता है, पार्शियल फ्रैक्शन से करें, ए अपॉन पी प्लस वन। ये वाला है तो एक्स स्क्वायर का पढ़ा था अपन ने, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी पी प्लस सी। क्लियर? अब जब सिंपल फैक्टर हो तो उसके ऊपर वाले कॉन्स्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, कैसे, मैं पी प्लस वन जीरो रखू, पी कितना आ जाएगा माइनस, तो किसकी वैल्यू आएगी, ए की, पी माइनस वन लेफ्ट में रखे, बट जिस फैक्टर को जीरो रखा उसमें मतलब ना, नहीं तो वो इनफाइनाइट बना देगा, 1/-1 का² + 1, ये 1/2। अब ये ए की वैल्यू इसमें पुट कर दे क्या हो जाएगा, बी और सी की नहीं निकल सकती क्योंकि इससे आयोटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू बी और सी की जनरल मेथड से फाइंड करेंगे, तो मैंने ए की वैल्यू पुट करके एलसीएम ले ली, ए हाफ आया, ये एलसीएम आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस वन, जो लेफ्ट में एलसीएम है वही राइट में ले रहे हैं, और ये बीपी प्लस सी और पी प्लस वन, ये इससे कैंसिल। अब अपन काम में लेंगे कंपेयरिंग मेथड भी ले सकते हो, यहां दो वैल्यूज निकालनी है तो पी की दो वैल्यू रख दो, माइनस वन के अलावा कोई भी दो वैल्यू रख दो, या फिर कंपेयरिंग काम में ले, 1/2p² + 1/2 bp² + bp cp + c। क्लियर? कंपेयरिंग मेथड क्या ले, कंपेयरिंग बोथ दी साइड, क्या लें बोथ दी साइड, कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर पी एंड कॉन्स्टेंट, ये कंपेयरिंग मेथड जनरल मेथड होता है, यहां दो कॉन्स्टेंट बी और सी निकाल रहे हैं तो p = -1 के अलावा कोई भी दो पी की वैल्यू रख दो, एक रख दो जीरो एक वन, दो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करोगे बी और सी आएगा, या कंपेयरिंग मेथड से करें, तो यहां पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1/2 + b, और इधर कितना है पी स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ही नहीं, नहीं है तो जीरो, तो b कितना हो गया माइनस के हाफ, फिर इधर p का कोफिशिएंट b + c, इधर कितना है, नहीं है यानी जीरो, और इधर c किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट कितना है 1, और इधर आ गई अपने पास कंडीशन कॉन्स्टेंट, सॉरी ये रहा, ये भी है 1 = 1/2 + c, सी कितना हो जाएगा 1 - 1/2 यानी हाफ, देखो यहां से भी वही आ रहा है, सी किसके इक्वल होगा माइनस बी के, आ रहा है बी और सी की वैल्यू आ गई, तो 1/p + 1 p² + 1, ए आया अपना हाफ, बी और बी की वैल्यू आई माइनस हाफ, तो -1/2 p, सी की वैल्यू कितनी आई हाफ अपॉन p² + 1।
अब दोनों तरफ एल इनवर्स लेके लीनियरिटी से अलग अलग कर लें। वन बाय टू एल इनवर्स वन अपॉन पी प्लस वन माइनस वन बाय टू एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन वन बाय टू एल इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ध्यान से देखना, वन बाय टू इसका क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, माइनस वन बाय टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि ए कितना है वन, और वन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का साइन एक्स। ये हो गया सॉल्यूशन। मेन इस पे काम करना था पार्शियल फ्रैक्शन से। टू प्रूव इस तरह की प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं, जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। इस तरह के क्वेश्चन में क्या अपने पास कॉन्सेप्ट लाप्लास आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं दिखा हुआ है क्या लाप्लास, नहीं। बट ये एक ऐसी लिमिट है, जीरो टू इंफिनिटी किसकी होती है, लाप्लास की। तो ये अपन ले लें एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ पी, कैपिटल की फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ये स्मॉल से कैपिटल है। एक तो अपन एफ आर पी भी लेते हैं, एफ पी भी लेते हैं। ये अब बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, पी टू इनफाइनिट, क्लियर। जो ये एफ ऑफ पी है वो किस में बदल जाता है, यू में, डी। डिविजन प्रॉपर्टी ये होती है कि ऊपर वाले का न्यूमरेटर का लाप्लास पता होना चाहिए। फिर डिविजन प्रॉपर्टी से लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, पी टू इनफाइनिट एफ ऑफ यू डी यू, ये कंडीशन आ गई। अब जब मैं इस लाप्लास को ओपन करूं तो जीरो टू इनफाइनिट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स हो जाता है और ये डी एक्स। जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स डी। लाप्लास को ओपन करने पर जीरो टू इंफिनिटी ये आ गया और ये पूरा फंक्शन हो गया। अभी तक अपन ने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया कि जिसका फाइंड करना है उसको ओपन करें, क्योंकि ये लिमिट की फॉर्म में आ रहा है और ये पी टू इनफाइनिट एफ ऑफ यू डी। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी टर्म नहीं आ रही है, ये वाली राइट साइड में देखें, ये नहीं आ रही, क्या ले लें, टैकिंग बोथ दी साइड लिमिट पी टेंस टू जीरो। तो जब मैं पी जीरो लूंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो ये आ गया वन, या और एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जीरो टू इनफाइनिट एफ ऑफ यू डी। लिमिट का कॉन्सेप्ट लो या बोल दो पुटिंग पी इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। लिमिट भी बोल सकते हो या पी इक्वल्स टू जीरो, ये आ गई कंडीशन, हो गया प्रूफ। जीरो टू इनफाइनिट एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जीरो टू इनफाइनिट एफ ऑफ यू डी। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा अपने को पता कैसे चलेगा, जीरो टू इनफाइनिट आ रहा है लाप्लास, तो जो ये अंदर है स्मॉल वाला इसका लाप्लास लेना। तो डिवीजन प्रॉपर्टी से इसके लाप्लास के लिए पहले ऊपर वाले का लाप्लास ले लिया एफ पी, डिवीजन प्रॉपर्टी से पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। लाप्लास का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में ओपन कर दिया, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये कंडीशन आ गई। बोथ दी साइड लिमिट पी टेंस टू जीरो ले ली और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास हेंस, ये प्रूफ की कंडीशन आ गई। अब है जीरो टू इनफाइनाइट इरेज टू पावर माइनस एक्स इरेज टू पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड। तो कैसे पता चलेगा, एक तो जीरो टू इनफाइनाइट आ रही है इसका लाप्लास। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को मान लू फंक्शन e की पावर माइनस एक्स
माइनस ए की पावर माइनस सी एक्स। लाप्लास ऑफ एफ एक्स, बोथ दी साइड लाप्लास ले लें, ये ए की पावर है माइनस एक्स, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का लाप्लास क्या होगा, वन अपॉन पी प्लस वन। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए एक्स क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस वन, पी माइनस ऑफ माइनस। ये हो गया वन अपॉन पी प्लस वन माइनस वन अपॉन पी प्लस थ्री। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में डायरेक्टली फॉर्मूला था ई की पावर ए एक्स का वन अपॉन पी माइनस थ्री। ए अपना माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, ए माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री हो गया। ये हो गया कैपिटल एफ पी। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन कैसे पता चलती है, एक्स से डिवाइड हो रहा हो, एक्स स्क्वायर हो रहा हो, है ना, तो डिवीजन प्रॉपर्टी। एक्स स्क्वायर से हो रहा हो तो दो बार करना पड़ेगा डिवीजन प्रॉपर्टी में, ना, एक बार एक्स ऊपर लेके फिर नीचे लेके। तो डिवीजन प्रॉपर्टी से क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, यानी लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, पी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। क्लियर? तो लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, लाप्लास ये एफ एक्स यानी ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, पी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी। अब ये अपन ने इसका लेफ्ट वाला भी लाप्लास ओपन करना है क्योंकि इंटीग्रेशन की फॉर्म में चाहिए। जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, p टू इंफिनिटी f ऑफ u, ये f ऑफ p है, p की जगह u लेना, वन अपॉन u प्लस वन माइनस वन अपॉन u प्लस थ्री, ये d। क्या ले लें बोथ दी साइड, टेकिंग बोथ दी साइड लिमिट p टेंस टू जीरो, क्योंकि यहाँ e रेस टू पावर माइनस पी एक्स नहीं आ रहा, ये चीज हटानी है अपने को। तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस जीरो यानी वन, तो ये e रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन यू प्लस वन माइनस वन अपॉन यू प्लस थ्री डी यू। लॉग यू प्लस वन लॉग यू प्लस थ्री जीरो टू इन्फिनिटी, कॉन्सेप्ट समझना इसका ध्यान से। लेफ्ट साइड की तो आगे कंडीशन, राइट साइड लॉग एम माइनस एन यानी लॉग एम अपॉन एन। अब अगर मैंने ये अपर लिमिट कितनी रखी, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी प्लस वन यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस थ्री यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, क्लियर, इनडिटरमिनेट फॉर्म। या जब भी इन्फिनिटी लिमिट होती है तो अगर मैंने इस पे इन्फिनिटी लगाऊं तो लॉग इन्फिनिटी वो डिफाइन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। वन अपॉन इन्फिनिटी यानी लॉग वन अपॉन इन्फिनिटी यानी लॉग जीरो। तो यहाँ जब कंडीशन होती है कभी भी इन्फिनिटी लिमिट लगानी हो तो वन अपॉन में चेंज कराया जाता है, डायरेक्ट उसकी लिमिट नहीं लगाई जाती, क्लियर, तो अब वो लिमिट लगा देता हूँ।